बताओ, मैं कंपनी के सामने बैठा हुआ है, देखिए गाड़ी लगा दिया हूँ, दलपत्री बिछा दिया हूँ थोड़ा, और ऊपर से हवा खोल दिया हूँ, थोड़ा हवा भी आएगा, यहाँ से कुछ भाजी ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने आ गया हूँ भाजी की दुकान पे। दोस्तों नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 8 बजा है और मैं यही खाम गांव MIDC पार्किंग में खड़ा हूँ, ट्रांसपोर्ट एरिया में। देखिए रात को भी बताया था कि मैं यहाँ पे खड़ा था, तो उसी जगह पे हूँ दोस्तों। और चलना है तुलसी एग्रो में भरने, ढेप बनता है उस कंपनी में। तो कल मैं गया था तो भरा नहीं, तो यहाँ पे आके मैं रुका था। अब चलता हूँ कंपनी में, तो अभी साहब लोग आएंगे तो लोड होएगा, 10 टन यहाँ से भरना है और 10 टन खाम गांव से। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं कंपनी के सामने बैठा हूँ, ये देखिए गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है और उस्ताद का भी गाड़ी है। देखिए उस्ताद कहाँ से आए उस्ताद भर के? गंटूर से ढेर बाती भरे सर की ना सर की। उस्ताद का पीछे वाला गाड़ी है वो ना, लास्ट वाला। अब देखिए सब ये सर की भर के आई है। अब मैं तो भरने के लिए बैठा हूँ लेकिन अभी हमारा आया ही नहीं है। कितने बजे से? 10 बजे से पहले कोई नहीं आया, चालू होगा। हाँ तो अभी देखिए आज का भी दिन, आधा 10 टन इधर भरना है, 10 टन उधर भरना है खाम गांव में मलकापुर में। तो यहाँ से जल्दी भर के छोड़ देता तो मैं चला जाता। अभी 10 बजे आएंगे, गोनी भरेंगे, लोड करेंगे। अब देखिए कब भरते हैं कब छोड़ते हैं। अब हम लोग यहीं पे बैठे हैं, यहाँ पे एक टपरी भी था वो भी पता नहीं चला गया है। अभी नाश्ता वास्ता भी नहीं किए कुछ, अब देखते हैं क्या होता है। A few minutes later, सुबह का 10:30 बजा है और हम लोग आए हैं लेकिन गाड़ी अभी अनलोडिंग कर रहा सरकी का। अब हमारा गाड़ी देखते हैं कब तक लोड कर रहा, मैं यहीं पे बैठा हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर लिया दोस्तों, चलता हूँ। सामने आ गया हूँ, ये तुलसी का ये भी कंपनी है। कंपनी में डाल रहा हूँ, काटा तो हो गया। ऊपर का 11 बज गया है। अब मैं बैठा हूँ गेट के पास, ये देखिए, और हमारे वॉचमैन साहब बैठे हैं और उस्ताद लोग बैठे हैं। देखिए इन लोगों का गाड़ी उधर पॉइंट में लगा हुआ है, उधर खाली हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमारा भी गाड़ी अभी लोड होएगा जब इन लोगों का गाड़ी खाली हो जाएगा। गाड़ी लगा दिया हूँ, दलपत्री बिछा दिया हूँ थोड़ा, और ऊपर से हवा खोल दिया हूँ, थोड़ा हवा भी आएगा। ये देखिए अभी हमारा गाड़ी लोड होएगा, 10 टन माल। लोडिंग चालू हो गया है, ये माल देखिए दबा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ऐसे दबाएंगे तो बैठेगा ये माल। 5 minutes later, 10 टन माल लोड हो गया है, मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी। दोपहर का 1 बज गया है, गाड़ी में 10 टन माल भर गया है। ये देखिए अभी 10 टन यहाँ से भर गया है और 10 टन मलकापुर से भरेगा। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, अभी लंच हुआ, पेपर मिलेगा तो निकलेगा। 1 hour later, ऊपर के 1:30 बज गया है और गाड़ी तो भर गई है, पेपर मिलेगा तो मैं यहाँ से निकलूँगा मलकापुर के लिए। और दोस्तों खाना का टाइम तो हो गया था मैं, लेकिन मैंने वही गाड़ी अंदर जब लिया तो भी रात का जो चावल था और चिकन था वही मैंने खा लिया, और खा के गंभीर हो गया था तभी इसके लिए मैं गाड़ी भरवाया। और वो गोनी भी अंदर दबाना पड़ता था क्योंकि ये टब बना हुआ है, ये टब बना हुआ है तो हाइट मिल जाता है ना, ये फुगा मार जाता है।
तो इसके लिए मैंने दबाया तो देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया मैंने, और खाना खाया था तभी थोड़ा जान था। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम निकलते हैं मलकापुर के लिए। का रोड का काम चालू है इसलिए वो बोलता है कि यहाँ रेलवे ब्रिज क्रॉस करके आगे से सर्विस रोड से आगे से लेफ्ट मार के जाओ, कोई मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, देखिए मलकापुर का हिसाब, और ये मलकापुर का ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। यहाँ से देखिए रेलवे ब्रिज दिख रहा है। चलता हूँ देखता हूँ कौन सा रास्ता बता है। एक सिंगल रोड है, उधर से गाड़ी अंदर डालने का बोल रहा हूँ। रास्ता घूम के जा रहा हूँ, देख रहा हूँ रेलवे फाटक है, क्या मालूम आगे लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं पहली बार ये रोड से जा रहा हूँ इधर से। देखिए कितना नीचे ब्रिज है, क्या मालूम अच्छा बच जाएगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा ही सा बच रहा, देख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जनक ओगरो में आ गया हूँ, ये देखिए, और गाड़ी साइड में लगा दिया हूँ। कंपनी में जा के आया मैं, वो साहब अभी नहीं है, अभी बाहर गए हैं, आएंगे तो हमको चिट्ठी देंगे, तब मालूम पड़ेगा कि कितना टन है यहाँ से। ठीक है, तब तक चलते मैं नाश्ता करने। उस्ताद आप अकोला से भर के आए ना? ये उस्ताद तो अकोला से भर के आए हैं। अब मैं तो यहाँ से अभी सर की खाली करेंगे, अब मैं यहाँ से ढेर भरेगा। यहाँ पे चाय की टपरी है, चलते हैं वहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं। जरा गरम गरम है, निकालिए खाएंगे ना कचौड़ी। यही है नाश्ता। A few minutes later, कंपनी में जाके आया और वो बोल रहे हैं कि आज नहीं लोड होएगा, कल होएगा लोड, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी देखता हूँ, अभी कल होएगा तो आज का भी तो दिन टूट गया ना दोस्तों। ठीक है, देखिए अब क्या होएगा। आप तो आज मेरा आज का भी दिन बेकार गया, कल का भी दिन बेकार गया, आज का भी दिन बेकार गया। दोस्तों शाम को 6 बज गया है, और मैं गाड़ी में मेरा कुछ राशन वासन नहीं था, इसलिए मैं अभी वहाँ से गाड़ी जा रही थी मलकापुर। ये देखिए उस्ताद का गाड़ी में मैंने बैठ गया और जा रहा हूँ वहाँ से भाजी ले या कुछ चावल लेके आएंगे तो खाना बनाएंगे। तो मैं अभी आ गया हूँ मलकापुर, अब उतर रहा हूँ। देखिए उस्ताद की गाड़ी से चलता हूँ यहाँ पे भाजी लेने। अरे कितना ठीक बाबू है, ठीक है ठीक है, चले। से कुछ भाजी ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने आ गया हूँ भाजी के दुकान पे, और यहाँ 40 का बटाटा, 40 का कांदा, और ये 20 रुपये बैंगन है, ये ले लेता हूँ। दाल भात चोखा बना लेते हैं। ये भाजी मैंने ले लिया, चलता हूँ। तो दोस्तों मैं भाजी लेके आ गया हूँ, देख सकते हैं इतना सामान लिया हूँ। अब चलता हूँ ट्रक में। ये देखिए हमारा ट्रक खड़ी है साइड में, अब कल लोड होएगा, तब तक चलता हूँ बनाने। सब्जी रोटी बनाएंगे आज, ब्रिजाल का सब्जी नहीं तो गोभी का सब्जी बनाते हैं, चलते हैं ट्रक में। तो ये देखिए मैंने बटाटा थोड़ा काट लिया हूँ, और ये फ्लावर मैं लेके आया, यहाँ पे बहुत सस्ता है, 40 रुपये किलो फ्लावर है। मुंबई में
80 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ पे मिला 40 रुपए, इसलिए मैंने आधा किलो ले लिया। और ये ब्रिजाल है, ये भी बम्बई में 80 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ पे हमको मिला 40 रुपए, 20 का आधा किलो। ये दो सब्जी मेरे को सस्ता मिला दोस्तों, तो ठीक है अब काटते हैं। ये देखिए आज सब्जी बना रहे हैं फ्लावर और पटाटा का, तो धीरे धीरे काट लेते हैं दोस्तों। तेल गर्म हो गया है और ये हमारा पेस्ट बन गया सब। ये देखिए लहसुन मिर्च पेस्ट, इसमें प्याज है, तो सबसे पहले हम प्याज डालते हैं। ज़्यादा गर्म हो गया था। अब देखिए लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, ये हमारा प्याज भुजा गया है, अब इसमें इसके साथ में भी जा रहा है। मस्त भुजा गया प्याज, लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी भुजा गया है। अब चलते इसमें टमाटर का पेस्ट डाल लें। देखिए हमारा दम भुजिंग मस्त हो गया है, टमाटर दम मिल गया इसके अंदर। अब चलते इसमें हम बटाटा और फ्लावर डाल लें। देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए मस्त भुजा गया है। चलते हैं मसाला डाल लें। ये देखिए हमारा हल्दी है, मस्त धनिया पाउडर और एक चम्मच एवरेस्ट मसाला डाल दिया मैंने, और ये थोड़ा सा पानी है पेस्ट वाला, भूजेंगे लटर पटर करके। इसमें थोड़ा नमक डालते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा नमक। हमारा बाल्टी के पानी थोड़ा सा डाल देता हूँ, अब ये पकता रहेगा दोस्तों धीरे धीरे। अब तक चलते हैं आटा सान लेने। ये देखिए मैं आटा निकाल लिया हूँ आधा किलो के लगभग, आटा सान के मैं रेडी कर लिया हूँ। ये देखिए और सब्जी भी देखते हैं। ये देखिए मस्त हो गया है। तो चलते हैं सानने, इसमें थोड़ा धनिया हम डाल देते हैं। डालते हैं उसको। देखिए दोस्तों अभी रोटी हम एक बनाए हैं, अभी रोटी बना रहा हूँ, जल गया। तो अभी 9:30 बजे खाना बन गया है, और मैं थोड़ा नीचे से घूम के आया और खाना ठंडा हो गया है। अब चलते हैं खाना खाने। ये देखिए रोटी बनाया, बहुत गर्मी हो गया था मुझे, तो रोटी थोड़ा सा चावल बना लिए, ये आलू गोभी का सब्जी। तो दोस्तों हम चलते हैं निकालने। थोड़ा सा चावल है, और ये रोटी, और ये सब्जी दोस्तों। तो खाना निकाल चुका हूँ, चलते हैं खाना खाने। दोस्तों अभी खाना खा के रेडी हो चुका हूँ, और टाइम हो गया रात का 10 बज रहा है दोस्तों, करेक्ट 10:05 हो रहा है। और अभी तो यही है दोस्तों, आज दिन भर दौड़ते ही रह गया, और वही 10 टन माल भर के आया था बस, उसके बाद तो माल भरा ही नहीं। आज का भी दिन चला गया, कल का भी दिन चला गया, तो यही तो है, टाइम खाली निकल रहा है। फेरा नहीं लगेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, अब फेरा लगता है तो पैसा आता है। तो बस ऐसे ही दिन कट रहा है, ये जुलाई महीना में ऐसे ही चलता है। चारों तरफ से मंदी है दोस्तों, बहुत मंदी है, मार्केट में एक पैसे का माल नहीं है। मैं जालना होते हुए जब आया तो देखा था कि जालना में अदर ट्रांसपोर्ट में कम से कम 150 ऐसा तो लगा था। अब मैं वहाँ से संभाजी नगर से फ़ोन कर रहा था तो बोलते कि नहीं यार,
पहले से सब जो गाड़ियाँ खड़ी है उसको माल देना पड़ता है। तो यही हाल है दोस्तों। तो इसके लिए मैं संभाजी नगर से एमटी आया खाम गांव, और यहाँ से भी 10 टन भर के आया हूँ मलकापुर। अब यहाँ से 10 टन अब कल भरेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम ब्लॉग को इन करते हैं, सुबह नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।